अब ना जय फिलिस्तीन होगा ना जय हिंदू राष्ट्र गूंजेगा, शपथ के नियम बदल, ओम बिरला ने कस दिए पेच। इस बदलाव के साथ ही अब कोई भी सदस्य अपने मन से शपथ के दौरान कुछ भी अतिरिक्त शब्द या फिर कोई भी नारे नहीं लगा सकता है। निर्वाचित सांसद सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेते समय कोई भी अतिरिक्त टिप्पणी नहीं कर सकते। पिछले दिनों सांसद में जब नए सांसद शपथ लेने पहुंचे तो उनकी शपथ का तरीका चर्चा में रहा। कुछ सांसदों ने ऐसे नारे भी लगाए कि बवाल हो गया। अब इन सबके बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पेच कस दिया है। उन्होंने शपथ के नियम 389 में संशोधन किया है। अब इसके मुताबिक निर्वाचित सांसद सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेते समय कोई भी अतिरिक्त टिप्पणी नहीं कर सकते। अब नियम में क्या बदलाव आया है, आइए जानते हैं। असल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के कामकाज से संबंधित कुछ मामलों को विनियमित करने के लिए अध्यक्ष के निर्देशों में निर्देश एक में एक नया खंड जोड़ा है जो नियमों का हिस्सा नहीं था। निर्देश एक में संशोधन के अनुसार नया खंड 3 अब ये कहता है कि एक सदस्य शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और शपथ के रूप में उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किसी भी शब्द का उपयोग या अभिव्यक्ति नहीं करेगा अथवा कोई टिप्पणी नहीं करेगा। नया खंड 3 अब ये कहता है कि एक सदस्य शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और शपथ के रूप में उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किसी भी शब्द का उपयोग या अभिव्यक्ति नहीं करेगा और कोई टिप्पणी भी नहीं करेगा। रिपोर्ट्स की माने तो इस बदलाव के साथ ही अब कोई भी सदस्य अपने मन से शपथ के दौरान कुछ भी अतिरिक्त शब्द या फिर कोई भी नारे नहीं लगा सकता है। ये संशोधन पिछले सप्ताह शपथ लेते समय कई सदस्यों द्वारा जय संविधान और जय हिंदू राष्ट्र जैसे नारे लगाने की पृष्ठभूमि में आया है। दरअसल हुआ ये था, शपथ के दौरान एक सदस्य ने जय फिलिस्तीन जबकि एक ने जय हिंदू राष्ट्र का नारा भी लगाया था, जिस पर भी कई सदस्यों ने आपत्ति जताई थी। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से शपथ लेते समय निर्धारित प्रारूप पर कायम रहने का आग्रह किया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया था कि कई सदस्यों ने शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के महत्वपूर्ण अवसर का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश भेजने के लिए किया। आपको बता दें कि हाल ही में जब 18वीं लोकसभा के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण हो रहा था तो उनमें से कुछ ने शपथ लेने के बाद अपनी ओर से नारेबाजी की थी। हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय भीम जय मीम जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। इसके बाद सांसदों द्वारा शपथ ग्रहण के बाद नारेबाजी का एक सिलसिला शुरू हो गया था। बरेली के बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार ने शपथ ग्रहण के बाद जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया था। गाजियाबाद के बीजेपी सांसद अतुल गर्ग ने ओवैसी के जय फिलिस्तीन के जवाब में अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा दिए। इस पर विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताई तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद का नारा लगा दिया। बता दें कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। सांसदों के इस व्यवहार को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी व्यक्त की थी और उन्होंने उसी वक्त संकेत दिए थे कि इस तरह की हरकत को रोकने के लिए वो सख्त कदम उठाएंगे। नियम 389 में बदलाव का उद्देश्य शपथ ग्रहण प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखना है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।